नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भागवत कथा में लोग किस लिए जाते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए और ज्ञान पाने के लिए। भागवत कथा को एकदम शुद्ध माना जाता है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन्हें सब कुछ से कुछ भी मतलब नहीं है। ये बस इसकी आड़ में गंदा काम करने की फिराक में रहते हैं। जी हाँ, अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसमें ये गंदा काम तो नहीं कर पाए और खेल पूरा उल्टा पड़ गया। जी हाँ, MP के देवास में माँ दुर्गेश्वरी मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ मच गई। मंदिर परिसर में भागवत कथा चल रही थी, इसी दौरान महिला चोर घुस गई। 5 महिलाओं के चैन खींच कर भागने लगी। लोगों ने महिलाओं को दौड़ा कर पकड़ लिया, उन्हें पंडाल के पीछे ले जाकर जमकर पीटा। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये महिला किसी गिरोह के लिए काम करती हैं और ये ऐसे ही धार्मिक जगहों पर जाकर ये गलत काम करती थी। महिला चोरों को पकड़ने वाले लोगों ने बताया कि ये चोर कटर व रेजर से चैन काट कर भाग रही थी, तभी लोगों ने इनको पकड़ लिया और इनकी धुनाई कर दी। इस बीच कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन चोरों को पकड़ने के बाद लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को बुलाया और सभी महिला चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं जिन महिलाओं का सामान गायब हुआ है वो भी थाने पहुंची है। महिलाओं ने 7 सोने की चैन और मंगलसूत्र गायब होने की थाना में शिकायत दी थी। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस सभी महिलाओं से थाने में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, शहर के एक साथ 11 महिला चोरों को पकड़े जाने की खबर सुनकर CSP विवेक चौहान सिविल लाइन थाने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये महिला चोरों का पूरा गैंग है। आज उज्जैन रोड स्थित रानी बाग में मां दुर्गेश्वरी मंदिर में चल रही भागवत कथा का 4th दिन था, जिसमें कुछ महिला चोर घुस आई, जिसके बाद महिलाओं के गले से चैन चुरा कर भागी और लोगों ने संदिग्धता के आधार पर 1-2 महिला चोर को पकड़ लिया। इसके बाद भागवत कथा में भगदड़ मच गई। पकड़ी गई महिलाओं की भागवत में मौजूद अन्य महिलाओं ने भी जमकर धुनाई के दी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।